सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब आज? तो ईद आने वाली है एंड ईद स्पेशल डेजर्ट तो कुछ होनी ही चाहिए, क्यों, है ना? तो आज मैं आपको एक ऐसी बहुत बढ़िया डेजर्ट बताने जा रही हूँ जो खाने में बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी लगता है, और अगर आप इस डेजर्ट को मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तब तो बहुत अच्छी बनेगी। एंड ये जो रेसिपी वो सबको बहुत ही पसंद आती है क्योंकि इसमें जो मीठापन होता है, फिर ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट होता है, वो बहुत ही टेस्टी एंड यमी रखता है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक्सपेरिमेंटल फूडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए उस बेल आइकन को ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने बारीक सेवैयाँ ली हैं, ये ब्राउन वाली सेवैयाँ हैं, ये आपको बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपको शीरकुर्मे में ज़्यादा सेवैयाँ पसंद हो तो आप इसकी क्वान्टिटी डबल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर है मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने लिया है किशमिश, बादाम, काजू और फिर पिस्ता, और ये है कुछ चेरी। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं गार्निश के लिए। और ये है थोड़ा सा खोया। और फिर हम लेंगे एक ब्लेंडर जार और फिर उसमें डालेंगे काजू, फिर ये बादाम और फिर कुछ पिस्ता, और फिर इसका हम बढ़िया पेस्ट बना लेंगे दूध के साथ। और फिर एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे देसी घी और फिर उसमें हम डालेंगे वो जो सेवैया थी ना हमारी, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। इसे हमें उतना ही भूनना है जितना हम नॉर्मल सेवैया को भूनते हैं ना, इस उतना ही हम इसे भी भून लेंगे। और फिर अगर आपको लगे कि ये जो सेवैयाँ हैं वो अच्छे से टूटी भी नहीं है तो आप इसे अपने कच्ची की हेल्प से अच्छे से तोड़ सकते हैं और फिर आराम से इसे भून भी सकते हैं। वैसे इस डेजर्ट की खासियत ये है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। सो ये देखिए, ये जो हमारी सेवैयाँ हैं भून गई हैं और अब हम एक पैन में दूध ले लेंगे। सो ये दूध ले लिया हमने और इसे हमें क्या करना है, थोड़ा सा उबाल आने देना है। तो हम इसमें थोड़ा सा उबाल आने देंगे और फिर जब इस तरह की उबाल आ जाए इसमें तो फिर हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमने सेवियाँ भूनी थी ना उसे हम इसमें डाल लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि अपनी कड़छी की हेल्प से इस सेवियाँ को इस दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, हमें ये सब सारा प्रोसेस जो है करना है लो फ्लेम पे सेवियाँ डालने टाइम, और फिर आगे वाली प्रोसेस भी हम लो फ्लेम पे ही करेंगे ताकि हमारे जो डेज़र्ट है उसमें ख़राब वाला टेस्ट ना आ जाए, तो फिर टेस्टी नहीं लगेगी खाने में। और फिर इसमें जाएगी चीनी यानी कि शुगर हम देंगे इसमें, और फिर आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतना शुगर इसमें दे सकते हैं। एंड फिर मिल्क मिक्स कर लेंगे हम इसे। एंड नेक्स्ट हमने जो पेस्ट बना करके रेडी किया था ना वो ड्राई फ्रूट्स वाला, वही हम इसमें ऐड कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ऐड करते टाइम अच्छे से इसे ऐड करना और स्टर करना है, तो क्योंकि अगर इसमें हम डालेंगे एक साथ में बहुत सारा तो फिर ये लम्स हो जाएंगे। और फिर ये हम इसमें खोआ भी ऐड कर लेंगे और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी नहीं, वरना फिर हमारी डेजर्ट ख़राब हो जाएगी और फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। टेस्ट तो भाई अच्छा ही आएगा बट देखने में सुंदर नहीं लगेगा। और अब हम इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है काजू, फिर ये पिस्ता और फिर ये कुछ बादाम और ये किशमिश। फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से एंड फिर हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फिर डालेंगे इसमें ये इलायची पाउडर, मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है इसमें। फिर हम इसे भी बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे एंड फिर हम इसमें क्या करेंगे कि इसे थोड़े से पकाएंगे। और अब ये जो है हमारी जो डेज़र्ट है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। सो गाइस, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गार्निश करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और अब हम क्या करेंगे कि एक मिट्टी की बाउल में इसे सर्व कर देंगे क्योंकि मिट्टी वाली टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। तो हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डाला है मैंने खोआ, फिर कुछ बादाम और फिर मैं इसमें डालूँगी काजू, मेरे पास है ये काजू, और फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा पिस्ता एंड लास्ट में चेरी, ये देखिए, और फिर ये किशमिश। और फिर हम फाइनल टच देंगे इसे गुलाब की पंखुड़ियों से। आप अगर चाहें तो इसे दीजिए, नहीं चाहे तो मत दीजिए। सो अब हमारी जो शीर कोरमा है वो बनकर रेडी है। तो ये शीर कोरमा डेजर्ट हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। सो गाइस, और अब आपको क्या करना है कि इसे घर पर बनाना है और इस ईद में इसे ट्राई करना है और अच्छी तरह से इंजॉय करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे
और फिर आप कमेंट में हमें ये बताएं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए। और एंजॉय कीजिए इस ईद, आप ये शीर कोरमा बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। मेरी गारंटी, आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही टेस्टी एंड यमी बनेगी। तो आप इसे बनाइए और मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आपने जब ये बनाया तो आपकी कैसी बनी। ठीक है, अब आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। एंड बाय, जय हिंद जय भारत।